इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप टेलीग्राम चलाते हो और अगर आप कोई टेलीग्राम चैनल पर इस तरह की प्रॉब्लम शो हो रही है, दिस चैनल कांट बी डिस्प्लेड, इट वॉज यूज टू स्प्रेड कॉन्टेंट, सो गाइस आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। टेलीग्राम पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो। आपको सिंपली इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन को ओपन करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले परमिशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। परमिशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सो गाइस अब आपको यहाँ पर जो है सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सारी परमिशंस को अलाउ कर रखा है। इसी तरह से आपको भी यहाँ पर सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। इतना करने के बाद आपको वापस आना है। वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैचा। अब आपको इस स्टोरेज एंड कैचा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टोरेज एंड कैचा पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैचा। आपको इस क्लियर कैचा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने टेलीग्राम का कैचा क्लियर कर लेना है। इतना करने के बाद आपको उसी के बाजू में एक और ऑप्शन मिलेगा क्लियर स्टोरेज। अब गाइस आपको इस क्लियर स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लियर स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लियर कैचा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लियर कैचा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से इसी में क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको अपने टेलीग्राम का कैचा क्लियर कर लेना है। अब आपको वापस आना है, फिर से वापस आना है। और फिर गाइस वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप। अब आपको इस फोर्स स्टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस इस तरह से अपने टेलीग्राम को फोर्स स्टॉप कर लेना है। इतना करने के बाद आपको वापस आना है। वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अब आपको सर्च बार में सर्च करना है टेलीग्राम। और गाइस टेलीग्राम सर्च करने के बाद आपको देखना है अगर आपके टेलीग्राम पर कोई अपडेट आया है तो आपको अपने टेलीग्राम को अपडेट कर देना है। क्यों, कई बार हम गाइस अपने टेलीग्राम को सालों तक अपडेट नहीं करते जिसके कारण उसमें नई नई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। सो इतना करने के बाद अब आपको वापस से अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको अपने फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है। फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद जब आप अपने टेलीग्राम को ओपन करोगे सो गाइस आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपने टेलीग्राम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।